हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे हॉल में। यहाँ लाने का मकसद यह है कि आप देख सकते हैं किस तरह से आज इस हॉल की जो है हालत ऐसी है कि इसे फरवरी तक शुरुआत करना है, इसे रेडी करना है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा यहाँ पर कि ये हॉल जो इसका निर्माण है सन 1988 में इस हॉल का निर्माण हुआ, जिसके बाद इसे भिवंडी शहर महानगर पालिका के अंडर में दे दिया गया। 2017 में इसे जर्जर घोषित करके इसे बंद कर दिया गया। हालांकि इसे बंद हुए आज 6 साल हो चुके हैं। 6 साल के पहले मैं और देखेंगे तो हम जो उस वक्त के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जो आज के सीएम हैं, उन्होंने 15 करोड़ रुपए की निधि इसे रिपेयरिंग के लिए दी थी। 15 करोड़ की निधि के बाद महानगर पालिका ने एक टेंडर निकाला रामदेव इंटरप्राइजेस करके एक मुंबई की कंपनी है, जिसे ठेका दिया गया 11 करोड़ 35 लाख रुपए में। ठेका देने के बाद इसका काम आज आप देख सकते हैं किस तरह से 35 से 40% जो हम कह सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से 35 से 40% इस हॉल का काम जो है होते हुए दिखाई दे रहा है। मगर हमारा आने का मकसद और सिर्फ बताने का मकसद यह है कि ये आने वाले समय में, क्योंकि 2023 में फरवरी के महीने में इसका वर्क ऑर्डर शुरू हुआ, और इसकी लास्ट डेट थी फरवरी में अगले साल यानी 2024 में इसे मुकम्मल करके देना है। मगर देखने वाली बात यह है कि अभी तक सिर्फ 30 से 40% काम हुआ है और अभी फिलहाल दिसंबर का महीना चल रहा है। हम इस हॉल का दौरा किए तो हमें वर्कर्स जो काम करने वाले सिर्फ इक्का दुक्का मिले, और जब हमने माहिती निकालने की कोशिश करी, जानकारी लेने की कोशिश करी, तो यहाँ के ठेकेदार ने बताया कि उन्हें फंड अवेलेबल नहीं है। जिसके वजह से इसका काम जो है काफी रुका हुआ। अब हम आ चुके हैं स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे हॉल के टेरिस पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से आधे से ज्यादा जो है, मैं कहूँगा यहाँ आधे से ज्यादा काम इस टेरिस का हो चुका है। देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा पतरा शेड जो पूरा लंबा आप देख सकते हैं पूरा लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो बची हुई जगह है, ये सब जगह पे वाटर प्रूफिंग की गई है, और यहाँ प्लम्बिंग का काम भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पानी निकलने के लिए रास्ता निकाल दिया गया है। आपकी जानकारी के फिर से बता दूँ कि इस वक्त हम मौजूद है स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे हॉल की टेरिस पर। जिस तरह से हम आपको नीचे से दिखाते हुए आए हैं, अब हम ऊपर के हिस्से पे है, और यहाँ पर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए काम यहाँ पर भी हो रहा है और ज़्यादा अधिकतर काम मुकम्मल हो चुका है। पतरा शेड लग चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि ये फरवरी तक चालू होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाली फरवरी में यानी 2024 में ये उस वक्त तक मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी भिवंडी का इतिहास जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए हैं, अच्छे अच्छे नाटकीय प्रोग्राम हुए हैं, जिसके बाद स्कूल के गैदरिंग हुई है, यानी बहुत से काम्स हुए हैं यहाँ पर। उस चीज़ को लेकर भिवंडीकर्स इंतज़ार में है कि ये मीनाताई ठाकरे हॉल कब शुरू होगा। इस हॉल को बंद हुए 6 साल हो चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि हॉल कब तक चालू होगा। इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। लापिनोस पिज्जा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पिज्जा ब्रांड अब भिवंडी में। अब लापिनोस पिज्जा दे रहा है रीजनेबल और बेस्ट क्वालिटी पिज्जा सिर्फ ₹69 में, और 4 पिज्जा का कॉम्बो ऑफर मिलेगा सिर्फ ₹309 में। इतना ही नहीं, लापिनोस पिज्जा में पास्ता, गार्लिक ब्रेड जैसे और चीजें वेज और नॉन वेज ऑप्शन में अवेलेबल है। मॉन्स्टर पिज्जा से जाना जाने वाला लापिनोस पिज्जा दे रहा है 24 इंच का मॉन्स्टर पिज्जा। अगर आप घर बैठे लापिनोस पिज्जा एंजॉय करना चाहते हैं तो लापिनोस ऐप से अपना पिज्जा ऑर्डर करें और पाइए फ्री होम डिलीवरी, या कॉल करें दिए गए नंबर पर।